नमस्कार। इस समय वॉयस न्यूज 18 की टीम मौजूद है शिवपाल सावरिया जी के पास, जो कि विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ यहाँ के पश्चिमी विधानसभा में सबसे ज्यादा वोट पाने वाले प्रत्याशियों में भी रहे सभासद में, और आने वाले समय में इनकी विचारधारा की जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ ये समायोजन का इनका है, और साथ ही साथ संघ परिवार से ताल्लुक रखते हैं। और इस समय बहुत ही हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे बीच वो उपस्थित है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे। बहुत सर, विधानसभा चुनाव एकदम पीक टाइम है। समाजवादी पार्टी 350, भारतीय जनता पार्टी 350, कांग्रेस भी 150 के दावे कर रही, बहुजन समाज पार्टी भी 150 150 के दावे कर रही। सर, वास्तविक स्थिति है क्या? आप तो जमीन पे हैं और लगातार आप जनसंपर्क कार्यक्रम लगातार कर रहे हैं, मतलब कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन आपके बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित नहीं हो रहे। देखिए, ये राजनीतिक द्वंद है, ये राजनीतिक युद्ध है, इसमें हर व्यक्ति अपने अपने दावे कर रहा है। मैं चूंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष का पार्षद हूं, और लगातार इतने सालों से जब से हमारी सरकार बनी तब से लगातार विकास कार्यों के बल पर, और कहीं ना कहीं गुंडा राज को समाप्त हमारे योगी जी ने किया, विकास की गंगा बहाई, और जिसके ब्याह पे हम 350 की बात कर रहे हैं। अब वो समाजवादी वाले लोग किस ब्याह पे, किस गुंडा राज के बल पे 350 की बात कर रहे हैं या किस विकास की बात कर रहे हैं, वो जाने। मैं उस विषय पे कोई नहीं बात टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं अपना विषय जानता हूँ कि हमने काम किया और जमीन पे काम किया, तो उस विषय पे हम कह सकते हैं। और बसपा की तो बात छोड़ दीजिए, कांग्रेस कहाँ है ये सब जानते हैं, वो क्या कहते हैं ये वो जाने। सर, जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक विचारधारा है जो लगातार जो है दूषित करने के लिए कहती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से कुछ ऐसी विचारधारा हिंदू हिंदुत्व और बहुत सी ऐसी चीजें आती हैं, जबकि संघ परिवार के मोहन भागवत जी का जो उद्घोषणा है उसमें वो सबको साथ लेके चल रहे हैं। सर, ये जो सामाजिक कुरीतियां फैलाई जाती है, सामाजिक जो विश्लेषण चल रहा है कि एक धर्म विशेष को बदनाम करना, तो इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? नहीं, देखिए, मैं आपको करेक्ट कर दूं कि जो मोहन भागवत जी ने कहा वही हमारी पार्टी की विचारधारा है और वही हमारे संघ परिवार की विचारधारा है। ये तो लोग बदनाम करने के लिए बोलते हैं। देखिए, अगर राष्ट्रीयता की बात करना कोई गलत थोड़ी है, जो हमारे देश में रह रहा है वो हमारे देश का नागरिक है, हमारा संघ परिवार भी इस बात को मानता है, और हमारे हमारे देश के प्रधानमंत्री भी ये कहते हैं। तो ये जो बीच के लोग हैं, नमक मिर्चा लगा करके जो बात करते हैं, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, वो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। हमारी पार्टी या हमारा संघ परिवार कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता, वो हाँ हिंदुत्व की बात का एजेंडा अलग उस विषय को रखिए, लेकिन राष्ट्र प्रेम की बात को हम जोड़ते हैं कि जो व्यक्ति हमारे देश का है वही देश का असली निवासी है। और कुछ उसमें लोग हैं जो हमारे देश के बारे में भी नहीं सोचते हैं, उनका हम विरोध भी करते हैं। सर, ओवैसी का बयान आया था, 15 मिनट हटा, पुलिस हटा लो और फैसले हो जाएंगे। इसी प्रकार से टिप्पणियां अभी नरसिंहानंद गिरी महाराज जी का आपने सुना होगा, कालीचरण जो जेल में चले गए एनएसए लग गया। सर, इस प्रकार के लोगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है या फिर ये अपनी इनकी एक निजी दुकान चल रही है? ये तो देखिए, आप पत्रकार बंधु हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसे नेता जिनका कोई सामाजिक दायरा नहीं है, जिसका कोई सामाजिक अस्तित्व नहीं है, वो लोग क्योंकि चुनाव के टाइम में उनको कैसे मीडिया मिले, और हमारा मीडिया भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का जिम्मेदार है कि जरा सा कोई विवादित बयान देता है तो उसको पूरे दिन चलाता है। तो मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा कि ऐसे लोगों को तो बहिष्कार करना चाहिए, मीडिया को भी बहिष्कार करना चाहिए कि उनके विषय को हम इतना हाइप क्यों दें, क्योंकि ये चाहे ओवैसी हो चाहे ऐसे लोग नरसिंहानंद राम जैसे लोग, ये सब समाज में कुंठित मानसिकता के लोग हैं जो एक अपनी एक अलग समाज चलाते हैं। हमारी पार्टी का या हमारे संघ परिवार का या एक अच्छे नागरिक का उनसे कोई भी मेल नहीं खाता है, और ना हमारे विचारधारा परिवार से वो हैं। बहुत ही अहम मुद्दा है, मतलब आपके माध्यम से पूरे समाज को, पूरे हिंदुस्तान को संदेश जाएगा। संघ परिवार बात करता है राष्ट्रभक्ति की, जो कि आपकी विचारधारा और जो देश मानता है, तो जिस तरह के लोग, दूषित मानसिकता के लोग इस प्रकार से हिंदू मुसलमान करके देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, सर, उनके लिए एक बहुत सामाजिक संदेश केवल आपके माध्यम से मैं देना चाहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप संघ परिवार से भी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े अच्छे सम्मानित पदों पे आपने अल्पसंख्यक बहुसंख्यक समाज को साथ लेके चलने का काम किया, और जमीनी स्तर पे जो पश्चिमी विधानसभा जिस लखनऊ की जिसकी जहां हम बैठे हुए हैं, सर, यहां के सबसे कद्दावर प्रत्याशी भी सर इस समय आप ही हैं भारतीय जनता पार्टी से विधायक प्रत्याशी के तौर पे। तो सर, मैं चाहूंगा कि एक ऐसा संदेश दें जिससे कि सारे देश को एक वास्तविक संदेश मिले कि संघ की विचारधारा देशभक्ति की विचारधारा है, न कि देश के विघटन की। देखिए,
आपका क्वेश्चन का मैं एक जवाब छोटा सा ये दे दूं कि करेक्ट कर दूं कि मैं प्रत्याशी नहीं हूं, मैं दावेदार हूं। मैं अगर पार्टी चाहेगी वो मेरे विषय को लेगी तो या हम मीडिया वाले चिल्ला चिल्ला के आपको प्रत्याशी बनाएंगे क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हम देशवासियों को पार्टी की तरफ से एक पार्टी के जनप्रतिनिधि होने के नाते या संघ परिवार की विचारधारा परिवार से सम्मिलित करते हुए केवल एक बात कहेंगे कि जो हमारा राजनीतिक एजेंडा आप कहें तो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास है, ये हमारा राजनीतिक एजेंडा हो गया। हमारा जो राष्ट्रीय संघ परिवार है ये इस बात को बड़ी पुख्ता के साथ ये कहता है, प्रमुखता के साथ ये कहता है कि जो व्यक्ति इस देश का नागरिक है, जो इस देश से प्यार करता है और जो इस देश की राष्ट्रीयता की एकता अखंडता को कायम रखने के लिए दिन रात एक करता है, वो हमारे देश का नागरिक है। और इसमें हिंदू मुस्लिम की बात हमारे मोदी जी ने कभी आने नहीं दी। आप अगर योजनाओं को देखें, आप अगर हमारे क्रियाकलापों को देखें तो हम एक मुट्ठी बांध के चल रहे हैं जिसमें सभी धर्मों के लोग हैं और यही भारत की एक कहीं ना क्वालिटी है क्योंकि हमारा देश संविधान पर चलता है और जो संविधान बाबा साहब ने हमको दिया देश उसी संविधान पर चलेगा, चाहे वो प्रधानमंत्री जी की बात हो, चाहे राष्ट्रीय स्वयं सेवक या इस देश का कोई भी नागरिक हो, सबको हमारे संविधान को मानना पड़ेगा। ये थे हमारे साथ शिवपाल सावरिया जी, जिन्होंने ये चीज का अपना उद्घोष भी किया कि स्वयं सेवक संघ की केवल और केवल एक विचारधारा है, राष्ट्रभक्ति देशभक्ति सर्वोपरि है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के मतभेद को हटाकर देश विकास की बात की जाए और बाबा साहब के संविधान ने जो हमको आज़ादी दी है उस आज़ादी का मिसयूज ना किया जाए और उस संविधान के अनुसार अपने देश को विश्वगुरु की ओर ले जाया जाए। धन्यवाद।